125 सेगमेंट में यार इतनी सारी बाइक आ गई है, समझ में नहीं आता कि कौन सी कंसीडर करनी चाहिए। सारी बाइक इतनी अच्छी हैं। अब तो हीरो ने अपनी एक्सट्रीम 125 भी लॉन्च कर दी है, जिसने पूरी मार्केट में आग लगा रखी है। आज मैं इस वीडियो में सिर्फ बात करने वाला हूँ NS125 के बारे में। 3 से 4 ऐसे आपको वैलिड पॉइंट बता दूंगा। वीडियो बहुत छोटी सी यार, 2 मिनट 20 सेकंड की वीडियो है, तो पूरा देख लेना। 3 से 4 ऐसे पॉइंट बता दूंगा जो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ आपको NS125 ही लेनी है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ समझ में आएगा ही नहीं। अब कुछ लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं, कुछ लोग कमेंट्स में गाली भी देंगे। आई विल एक्सेप्ट दोस बेसिकली कमेंट्स एज वेल। सो सबसे पहला जो रीज़न है वो है इसका इंजन। इंजन इसका बहुत रिलायबल इंजन है यार। 125 सीसी का इसके अंदर जो इंजन आपको देखने को मिलता है उसमें ऑलमोस्ट 12 पीएस की पावर और 11 पीएस का उसमें टॉर्क देखने को मिलता है, विच इज़ गुड। और इसका जो कर्व वेट है वो भी 144 केजी आपको देखने को मिलेगा। वेट से क्या होगा, इसका एक तो बॉडी रेशियो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आपको स्टेबिलिटी अच्छी मिलेगी। तो डेफिनेटली यार आप खुद ही आप एक डिसीजन ले सकते हो कि यार आपको चाहिए बाइक कैसी जो आपको लॉन्ग टर्म में भी आपका साथ दे। तो इंजन इसका काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। और 125 जो मैं एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपको अभी मार्केट में देखने को मिल रही हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस देख भी ली हैं और उसका जो आफ्टर रिव्यू भी आया वो भी बहुत गंदा आया, उसकी भी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ बिकॉज उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको, दूसरा पॉइंट है इसका हाई स्पीड स्टेबिलिटी। आप इसको क्रूज़ करोगे ना 100 पे 95 पे 90 पे, भाई आपको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी जस्ट बिकॉज इसका वेट काफ़ी अच्छा है और जो इसका पैरामीटर फ्रेम है ये आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है बजाज की आफ्टर सेल सर्विस। आप इसको लेने के बाद अपना 2-3 साल चलाओ, फिर आप इसको सेल करने जाओगे, आपको अच्छी इसकी रीसेल वैल्यू मिल जाएगी। और ये जो रीसेल वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ही नहीं कर रहा, इसका भी पूरा एक्सपीरियंस मिला हुआ है। ये हमने ऑलमोस्ट 2 से 3 साल चलाई है और उसके बाद हमें इसकी एक अच्छी वैल्यू मिल गई। और मैं अगर इसके अच्छी पॉइंट्स की बात करूँ, अब सब कुछ इसके अंदर आपको मिलता है, लाइक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाता है, फुल्ली LED सेटअप आपको मिल जाता है। और चाहिए क्या यार, मतलब ये बाइक ना काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। आई नो कि इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होना बाकी हैं, बट स्टिल यार जो है अब उसको एक्सेप्ट करो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना यार।